नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। अक्सर ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जाता है कि यार वो लोग ना अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। हिंदू थोड़े से लिबरल ज़रूर होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि जब भी कोई खिलाड़ी कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है, कोई चीज़ अचीव करता है, तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि वो क्रिकेट के मैदान पर ना खुदा का शुक्रिया अदा ज़रूर करता है। लेकिन क्रिकेट के बाहर भी ऐसे कई और खिलाड़ी हैं जिन्होंने उदाहरण पेश किया है, और हाल में एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल अपने युवाओं के सामने सेट किया है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, मोहम्मद रिजवान। अपने कप्तान बाबर आजम की तारीफ की है। दरअसल पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पर मोहम्मद रिजवान सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो इसी दौरान बाबर आजम के बारे में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और ये बात सभी को जानना भी चाहिए। दरअसल रमजान के दौरान जो है बाबर आजम एक पेप्सी का ऐड कर रहे थे, और उस एड के दौरान जो है जो विज्ञापन के जो लोग थे, मैनेजमेंट के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको जो है पेप्सी पीना होगा, और बाबर आजम ने साफ मना कर दिया। बोला कि भाई मेरा तो रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, तो मैं पी नहीं सकता। तो मैनेजमेंट ने फिर आग्रह किया कि भाई आपको पीना होगा। तो जैसे ही ये बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी, बाबर आजम ने बोला अगर मुझे पीना पड़ेगा तो मैं ये विज्ञापन ही छोड़ने के लिए तैयार हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप रद्द कर दो लेकिन मैं ना के ना पीऊंगा। तो ये स्वभाव जो है ये बाबर आजम का अपने ऊपर वाले के प्रति है कि वो अपने धर्म से, अपने ईमान से वो समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे भले ही कितने ही ज़्यादा आप पैसे क्यों ना दे दो। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। बाबर आजम न सिर्फ रन्स बनाते हैं अपने देश के लिए, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहेंगे, अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति काफ़ी ईमानदार है, और हम सभी के जो है बाबर आजम आइडल हैं। ये मोहम्मद रिजवान का कहना है अपने कप्तान के प्रति। आपका क्या कुछ कहना है बाबर आजम के लिए, आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स, मतलब इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर बाबर आजम के बारे में दो शब्द कहें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।